हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं दो ड्रामों का रिव्यू लेके। कल हमने तीन ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल थे तेरे मेरे सपने, जो कि हमारे बोल कुछ टूट गए थे कुछ सपने नहीं थे, नाइटमेयर थे। और था जी इश्क मुर्शद और जाने जहां। आज इन दो ड्रामों का रिव्यू लेके आए हैं, उनमें भी एक रमज़ान प्ले है जो कि हमें हम देख रहे हैं, देखना पड़ रहा है। लेकिन ये इट्स नॉट अ हार्ड वॉच एटलीस्ट फॉर मी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, हमारे जजिस क्या कहते हैं। यहाँ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना, शबन। बात कर लीजिए पहले ड्रामे की। चैनल है हम टीवी और ड्रामे का नाम है वेरी फिल्मी। और इसकी हमने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया था लास्ट वीक। अब हमारे पास 5-6 एपिसोड है बात करने के लिए। तो मरीना जी, तो पढ़ा हुआ था, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, मैं कैरेक्टर्स को भी जानती हूँ सब कुछ। सो आई हैव टू टेक माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट बिकॉज आई कॉन्ट जज इट ऑन द वे आई वुड हैव डन समथिंग एज अपोज टू समवन एल्स। बट फॉर श्योर इसमें भी फॉर ए रमज़ान प्ले, क्या कहते हैं, एंड प्रॉब्ली द ओनली रमज़ान प्ले, दे आर लेयर्स, राइट? बिकॉज देर इज कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग। हाँ, you want to know what's happening with the father, is he dying, that why is the girl annoyed with the father, obviously because of the mother, but she's in called that film actress to the house, so you know dadi ka kya hai isme, unko pata hai unko nahi pata, obviously phir ladke ki side se kahani, wo kyun nahi shaadi karna chahta, phir wo aa gaya ek SRK, SK, so I was waiting for those episodes, obviously, because that's the biggest thing you want to know, okay, can the boy do it, and he did a very good job. He did a very good job. To the point, okay, at times I said, nah, but then I said, wait a second, he's only pretending to be, he is not. So for a person who's pretending to be Shah Rukh Khan, I think he did a very nice job. So the story, even, iske bhi 8 episodes hue, but you know that they are, it's meaningful. Where it's going to go, we don't know, because it has sort of thoda sa wo off ho gaya, but obviously one has to make changes for, you know, other things. But saying for, after saying all of that, that I'm still enjoying it, these two episodes were a little difficult for me, jo abhi jo last time. So I will give it a... One thumbs up. Good job. बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इस ड्रामे में बहुत कंपेलिंग हैं फॉर इट टू बी व्यूइंग। एक तो प्रोमो बड़ा अच्छा था, फिर ये जो फिल्मी होना इंटरेस्टिंग था, जिस पे कि आपने बेस भी किया ड्रामे को, कि हम शाहरुख खान के फैन पे बेस कर रहे हैं, सो ही विल कम इनटू एवरी सिचुएशन बीइंग अ कैरेक्टर ऑफ वन ऑफ नॉन शाहरुख, वो लड़की नॉन है ना, तो ये बन के आ रहा है। सो वो सारी जगह स्पॉट ऑन थी, जहाँ जहाँ भी उन्होंने फिल्म का टच डाला, डायरेक्टर ने भी और राइटर ने भी, राइटिंग खैर वहाँ इतनी नहीं आती, बट हाँ राइटर ने ही लिखा होगा। सो वो जगह बहुत कंपेलिंग थी, दिए के साथ आना पारो बन के, वो आना, आपने वो सीन देखा था जब उसकी एंट्री होने वाली, पीले कपड़ों वाली, कहते कि आप वो मंगवा लें, फैन लगा दें, वो एकदम शॉट में फैन लगा होता है, जमीन पे पानी फेंक दे, कभी खुशी कभी गम का वो उन्होंने उठाया था सीन, बिल्कुल सही बनाया, द कॉस्ट्यूम, द कैमरा वर्क, द परफॉर्मेंस, एवरीथिंग टिल द पठान मोमेंट केम, इट वाज सो ब्यूटीफुली जॉट इन के वो अपना कुछ बना रही है और उसमें लोग डांस कर रहे हैं, एंड हियर कम्स द म्यूजिक एंड द वे दे, उन्होंने जिस तरह म्यूजिक को भी इस्तेमाल किया बिकॉज राइट्स वगैरह बचा के उन्होंने दोबारा से, सो वेरी वेल, वेरी इंटेलिजेंटली डन, बट दैट इज ऑल द प्लेज अबाउट। बाकी बीच में जितनी जगह हैं सब या फ्लॉड हैं या स्लो हैं या क्रिंज हैं या अनरियल हैं, हालांकि स्टेलर कास्ट है। इस ड्रामे की फोर्स जो है वो इसके एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट डेफिनेटली नॉट। वो चार सिचुएशंस हैं जिनको डायरेक्टर ने और एक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है, गेटअप्स ने बनाया बेसिकली। सो आई हैव, मुझे हंसी नहीं आती इस ड्रामे में, बिल्कुल नहीं आती, किसी भी सिचुएशन पर नहीं आई अभी तक भी। So I think I will give, if I gave तेरे मेरे सपने जो टूट जाएंगे को thumb down, I will give it a
ओके जी, नारिया वेरी फिल्मी में जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उस पर बैकलैश भी आया. स्ट्रेंथ इज शाहरुख खान फिल्में, इंडियन बॉलीवुड फिल्म, ऐश्वर्या राय, इनके जो सारी रीएनैक्टमेंट की गई है, ये प्रोमोज में सबको इंटरेस्टिंग भी यही लगा. और बाकी सब जितने भी रमज़ान के ड्रामास चल रहे हैं उनसे इसका प्रोमो डिफरेंट था, ये कुछ अलग होगा. तो बॉलीवुड को इसमें यूज़ किया गया. बैकलैश इसलिए आया कि हम अपनी फिल्मों को क्यों नहीं प्रमोट करते. मेरे शो पे भी कुछ गेस्ट आए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपने स्टार्स को प्रमोट करना चाहिए था, इन्होंने क्यों बॉलीवुड स्टार्स को प्रमोट किया, उसके ऊपर बनाया. टेरिबली कुड हैव गॉन रॉन्ग अगर एक्ट बुरा होता. तो ये तो डायरेक्टर ने इतनी अच्छी तरह उसको पिक्चराइज किया है और अमीर गिलानी ने इतना अच्छा एक्ट किया है कि इट वर्क्ड. अदरवाइज तो बहुत बेइज्जती होनी थी भाई. ये जो मैं इमोजी दे रही हूँ इज ओनली फॉर दीज सीन्स. ये जो सीन्स हुए हैं पारो वाले और वो जो भाग के जो आया और बैग पकड़ कर, बैग नहीं छोड़ा कर, छोड़ दे बैग भाई बस कर दे. और बुशरा अंसारी वॉज अमेजिंग. और इन चीज़ों के लिए जो है ना आई विल गिव वन थम्स अप ओनली फॉर दीज सीक्वेंसेस. इसी तो मैं डरी हूँ कि अब आगे क्या होगा, अब कैसे हंसी आएगी, अब क्या करोगे. और राइटिंग की बात की जाए इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. ड्रामा शाइकिंग का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. पहले 4 सीजन इन्हें मचाई धूम. इतनी मोहब्बत और पसीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक एक बार फिर, आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है मुकर्रम कलीम में. और राइटिंग की बात की जाए, और राइटिंग में मुझे वो सीन याद आता है जिसमें वो बुशरा अंसारी दीपक परवानी से बात कर रही होती है, बता रही होती है कि तुमने क्या नमूना घर में भेजा, ये कौन से सतरंगी छतरी हमारे घर पर आई है, ये वर्ड यूज़ करती हैं. और फिर कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसे ही कहती, पहले हमने साहिर लोधी संभाला नहीं जा रहा था. हाँ, ये भी था बहुत मजे तो बहुत लाभ. उमेशा की अपनी लाइनें हैं वो, यकीनन अपना अपनी चीजें होंगी बड़ी मजे की. बट मोहम्मद अहमद साहब है, उन्होंने भी हाँ ये भी ब्रिलियंट राइटर. क्या कहेंगे आप? सो द स्टोरी एक्चुअली टेक्स अ सीरियस टोन आगे जाके, बट इट वाज रिटन फॉर एन 8 o'clock स्लॉट, दैट वाज व्हाट इट वाज सपोज्ड टू बी. बट व्हेन यू take it into the Ramzan thing, somehow we feel that we have to constantly laugh. It's not a constant laughable. There are situations which are amusing. Because agar aap hamesha dekhe ke Ahmed ki jo line hai, they're not laugh out loud, but they get a smile on your face or you go, you know. So it's not a ha ha, you know, like it's not a wo jo dusri feel good wala hai, jo you know, jo aap body se karte, body language wagale. Lekin इसमें मोमेंट्स थे शुरू शुरू में. तो कितने नंबर राइटिंग के आपके पास? आई थिंक आई विल फॉर इफ इट वाज दीस टू एपिसोड्स आई एम गोइंग टू गिव इट अ 6. 6, गुड जॉब. रुबीना जी, सी लाइक आई सेड बिफोर, मसला यही हो रहा है कि सिचुएशंस जो आपने तय कर ली थी कि बॉलीवुड से आपने उठानी है, उन पे आपने बहुत अच्छा अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया, दे कम आउट रियली वेल. बट वो इंपर्सनेशंस है ना, वो आपका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है. उसमें आपने कपड़े भी उनके जैसे बनाने थे और करवाना भी वही सब था जो पहले हो चुका है. सो आपने बहुत अच्छा किया फिर भी, लेकिन आपका कोई इतना कमाल नहीं है, ना राइटिंग में आएगा वो, ना डायरेक्शन में आएगा. एक्टर को फिर भी शायद उसका मार्जिन दे दें हु प्लेड इट रियली वेल. तो मेरे हिसाब से ये राइटिंग बन रही है 5. ओके, जो आप ना दिया. मैं भी राइटिंग के 5 दूँगी. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो हैं कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 14,600 हुए हैं और वेरी फिल्मी के हिस्से में आए हैं सैयद मोहम्मद अहमद साहब के हिस्से में आए 438. 3% बनते हैं 0.3. बात कर लीजिए डायरेक्शन की और अली हसन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर 5. रुबीना जी, एक्टर्स वर्क कर रहे हैं इस ड्रामे में, राइटर और डायरेक्टर नहीं कर रहे. So I will give him a 5 also. 5. Okay, जो आपने दिया. अब से चैलेंज शुरू होगा क्योंकि SRK वाले जो सीक्वेंस है वो खत्म हो गए हैं, बट वो शूट अच्छे हुए थे. अब देखेंगे कि बड़े चैलेंजेस हैं. तो नहीं, ये डिसपॉइंटेड फॉर मी सनम कैरेक्टर. 5. 5.
ओके जी, ऑडियंस के पास चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में वो 13,400 हुए हैं और अली हसन के हिस्से में ड्रामा से वेरी फिल्मी से 4.23% बंदे हैं, 0.3 मिले हैं इनको। तो जी फीमेल एक्टर की बात की जाए, दारा नीर मुबीन, आई थिंक शी इज मेंटेनिंग हर हर कैरेक्टर क्वाइट वेल, सो आई विल गिव हर अ 7. वेरी गुड जॉब मुबीन जी। दारा नीर इज अ फाइन परफॉर्मर, बबली जो इस वाले कैरेक्टर्स में अब क्योंकि वो में भी हमने देखी थी। टाइप भी होने लगी है क्योंकि पिछला भी बिल्कुल यही वो कर रही थी और इसमें भी वो बिल्कुल यही कर रही है, सो शी नीड्स टू जस्ट चेंज, अगले किसी भी ड्रामे में उसको अपना बदलना है पोर्टफोलियो सो टू से, क्योंकि अब ये टाइप हो गया है और ये दाना नीर खुद है, दिस इज मोर हर एंड सो इट्स कमिंग वेरी नेचुरली टू हर, सो देयर इज नॉट मच ऑफ एक्टिंग इन्वॉल्व हियर अभी तक तो नजर नहीं आई। आई थिंक आई विल गिव हर अ 6. गुड जॉब नादिया। या 6 आल्सो। 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 14,200 हुए हैं और दानी मुबीन के हिस्से में आया वेरी फिल्मी से 426, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, अमीर गिलानी, मरीना जी। सो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 7 आल्सो राइट नाउ। 7 आई कैन गिव हिम एन 8 जस्ट फॉर दैट, बट आई थिंक I'll give him a 7 for 7. Rubina ji. I'm a Ameer Gilani fan since he came into the, kyunki nazar aata hai is bacche ki commitment to the craft, aapko nazar aati hai har scene mein. Agar wo gaadi pe impersonations ki to main baat hi nahi kari kyunki Pathan wala scene mere liye jahan pe he showed that he can move also. So it was really good. Neem mein jab usne stutter kiya tha, I said ye kitna acha kar raha hai. गाड़ी पे गिर के बेहोश होने वाला सीन, ही पुल्ड इट ऑफ कन्विंसिंगली। मैं भी मरीना की तरह 8 देना चाहूँगी बट अभी चलो दे देती हूँ 8, 7 अभी के लिए 7 ऑलमोस्ट 7.5 चलो नादिया। तो मुझे बड़ा क्यूट लगा, बहुत चार्मिंग, बड़ा स्वीट, आई विल गिव हिम एन 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं और वेरी फिल्मी से अमीर गिलानी के हिस्से में आए हैं 822, 0.6 सबसे ज्यादा आए हैं। who's the पुलिंग फोर्स, ही इज द फोर्स, वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ वेरी फिल्मी का रिव्यू। अब बात की जाएगी ड्रामा सीरियल खई की और रुबीना अशरफ खई को खई करेंगी इस शॉर्ट ब्रेक। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और अब बात की जाएगी उस ड्रामे की जिसको हमने लास्ट वीक मिस किया था क्योंकि रमजान के नए प्लेज आ गए थे और उन्होंने वो स्लॉट ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सिलखई की जो आपका हमारा हम सबका बड़ा फेवरेट है। उसके 3 एपिसोड पे आज बात होगी, 24, 25, 26। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ हमारे जो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है इस वाले सीज़न में कि पब्लिक क्या कहती है, आपकी क्या राय है। तो इस वक्त हमें बहुत ही दो स्वीट और बड़े अच्छे किस्म के रिव्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं नौशीन का रिव्यू जो कि उन्होंने यूके से किया है, वो क्या कहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम, रुबीना, मरीना खान, नादिया खान, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर शो एंड आई लव इट एंड स्पेशली मुकर्रम भाई, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू। आई लिव इन यूके, आई एम नौशीन एंड आई वांटेड टू गिव माय रिव्यू अबाउट खई ड्रामा। So I always listen to the discussion that you do and it is mentioned that communication. So communications, like I'm also like I have a very severe cultural background of Pathan. I'm a Pathan. So we love our parents. It's not that
the way we love our parents is that when even we grow up, they sit with us, they watch movies with us, or they share any, common thoughts with us. No, it's a very severe respect and love. And the parents are very protective about their children, and the children know that. So when you're going for the review, please keep in mind, especially about the Thai drama, is that in our culture, it's the love, the respect, and these things are such set standards that it's not like that if we love our parents or our siblings, we'll be sitting in a cinema eating popcorns and that's how we share, and we are like very, like frank with each other, and that's how we love each other. Even if we don't do that, it's a very severe love bond between the families. So I was just giving this review. Thank you so much and take care. तो ये मैया जी आपने सुना, ये बात करनी कम्युनिकेशन की बात कर रही थी कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो हमने कहीं तस्करा किया था? आई डोंट नो, आई थिंक नौशीन अगर आप थोड़ा सा हमें रेफरेंस दे देती कि किस चीज़ के बारे में आप ये क्लैरिटी दे रही हैं, सो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल. राइट नाउ वी आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड. मैं भी ये बात कर रही हूँ कि जो बरलास अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सका इतने अरसे, उसमें वो कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन गैप, बरलास नहीं बता सका था ना अपने पेरेंट्स को. तो लेकिन आई थिंक हमने कभी कम्युनिकेशन की बात नहीं की, अनलेस आप दे ऑब्वियसली वॉच के साथ आप कोई रेफरेंस बस हमें दे दीजिएगा, सो देन वी विल डेफिनेटली. हाँ, तो नौशीन नेक्स्ट टाइम बनाए तो कुछ इस तरह की चीज़ बनाए कि जरा कन्फ्यूजन ना हो, क्लियरली पता चल जाए कि क्या आप बात कहना चाह रही हैं. अब दूसरे एक छोटा सा रिव्यू है, वो हमें आया है, वो देखते हैं. खैर, ड्रामे के बारे में मेरा एक रिव्यू ये भी है कि जैसे इन्होंने बल्लाज खान की शादी की है और इसमें इतनी खुशियाँ मनाई गई हैं, और जो बादशाह खान है, आई थिंक उसको इसमें शरीक नहीं होना चाहिए था. वो कहता कि ठीक है आप शादी करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है. और वो उसमें शरीक भी हो रहा है. दूसरा ये कि जो उसके बेटे जो माँ ने माफ़ किया है वो भी बहुत गलत है. कोई भी माँ माफ़ नहीं कर सकती, और फिर माफ़ करने के बाद उसको इतना ज़्यादा गले लगाना, चिमटाना, चूमना, प्यार करना, ये सब डाइजेस्ट नहीं हो सकता. तो आपको चाहिए था कि इन लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ऐसा यहाँ पे लेसन देना चाहिए था कि इन लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, ये बहुत ही जालिम लोग हैं. तो किसी का इतना खूबसूरत जवान और इकलौता बेटा इतनी बुरी तरह मार दिया और फिर उसी लड़की से शादी कर ली हो, तो ये चीज़ जो है ये मतलब कोई इसकी लॉजिक नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. जहाँ तक के लोग बहुत ज़्यादा इस पे जो कहते हैं तावान लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो, तो फिर जाके कहीं माफ़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो बस ऐसे ही में माफ़ करके उसको चिमड़ा लिया. जी, इसमें तो उन्होंने वही सवाल उठाया जो आपने भी उठाया था, यानी हमारे रिव्यूज पे रिव्यू हो रहे हैं. तो रुबीना जी इसमें कह रही हैं कि उस दिन जब शादी होती है बरलास की, हाँ, तो क्यों वालिद को शरीक नहीं होना चाहिए था, आपकी क्या राय है? She has a point there, क्योंकि ऑफ लगा थोड़ा सा, बट बात यही है कि कहानी को जहाँ जाना था वो ड्रामेटिक लाइसेंस लेना था, उनको बिठाना था उसको वहाँ. सो जाहिर है कि दिल को तो अच्छा नहीं लग रहा था. सो आई एग्री विद वाशी. यहाँ सबसे वो जो सबसे डार्क लाइन थी, जो यहाँ ना पहली जो आपकी जो व्यूअर थी वहाँ उनकी बात आ जाती है कि इतना रिगार्ड होता है वहाँ उस फैमिलीज में कि आप सवाल तो कर ही नहीं सकते. हाँ. बाप ने कहा होगा शादी में आना है, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. आल्सो आल्सो नादिया, उनकी रिस्पेक्ट है. द सेम मैन वाज गोइंग टू शूट द सेम बॉय इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली, सो इफ यू गोइंग टू शूट हिम इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली ही फॉरगिव हिम. सो आई थिंक नादिया बिल्कुल सही कह रही है कि यहाँ नौशीन की बात समझ में आती है कि वहाँ फिर देयर इज नो क्वेश्चंस, यू आर एंड यू कुड सी उसके फेस पे एक पेन, तो हमने जिसकी बारे में और उसी से वो वेडिंग डार्क बन रही थी, उसके होने से, उसके वहाँ होने से ही तो वो बात बन रही थी, वरना वो एक नॉर्मल बात होती. वो खतरनाकी जो आपको भी बुरा लगा वो इसीलिए लगा, वही वो लगाना चाह रहे थे, डिस्टर्ब करना चाह रहे थे. तो ये आपको जवाब, कल्चर डिफरेंट है ना. बट थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू. आप शुरू करते हैं प्रॉपर खई का रिव्यू. तो रुबीना जी क्या कहेंगी एपिसोड नंबर 24, 25, 26? एब्सोल्युटली पार एक्सीलेंस फॉर मी फॉर दीज थ्री एपिसोड्स एंड डायरेक्शन आल्सो. बाप का ख्वाब में उठना, बुलाना, कॉन्फ्रेंस, जिरगा, जो भी आप उसको कहेंगे उनकी ज़बान में, वहाँ तक पहुँचना, वो पूरा सिनेरियो खूबसूरती से बना हुआ था.
एंड देन ही सेज कि इसको सबके सामने मारेंगे. वो मेकअप जो उस आदमी का था जिसने जो जिसको मारना था उसके हाथ वाथ सब फिर उस और फिर जो इमोशनल कंटेंट था उस सीन का वो था कि वो बाप जिससे कि चलना भी अब मुश्किल है क्योंकि जाहिर है उसने तीन पै दर पै घर से लाशें उठाई और आदमी है ना मैन ऑफ द फैमिली लूज किए हैं जो कि बहुत बड़ी बात है ना. एक उसने अपनी लाइन है ना पहले अपना पोता हाँ पोता फिर उसके बाद दूसरा पोता पामीर फिर दो बेटे चार लोगों को उसने लूज किया है और उसका बदल गया था ना. हमने एक पहले भी एक रिव्यू में कहा था कि वो खड़ा जिस तरह होता है वो भी फर्क था. उसकी कमर झुकी हुई थी. वो आदमी जब गन उठाता है ना वो सीन जस्ट टुक माय हार्ट. जिस तरह से वो एग्जीक्यूट किया था उन्होंने एक्ट किया था फिर फैसल का पीछे से आके गन को स्टेबल करना उनके हाथ में और फिर पोते का उठ के और इस तकलीफ से ही उनको निजात दिला देना और यू नो द वे दे शॉट हिम आई थिंक ब्यूटिफुली डन. थम्स अप डिजर्व करता है हमारे कल और आज के शोज में एंड आई वुड से 3 thumbs up. गुड तो हमें जाने जहां को दे दिया. हां हां सो 3 thumbs. नादिया पलट गई आगे शिब्रा. हाँ खालिद भट्ट साहब वॉज अमेजिंग. ही वॉज अब फैसल भी मेरे साथ देख रहे थे इतनी तारीफें वो करें मैं करूँ कह रहे इनकी डायलॉग डिलीवरी हर लफ्ज़ की जो अदायगी है वो इतनी खूबसूरत है और इट्स इनक्रेडिबल. और उनका हमने कमज़ोर भी देखा बाप की एक बहुत ही कमज़ोर हारी हुई साइड वो एक्शंस वो इमोशंस और फिर उसकी जुल्म की इंतहा जब वो बदला लेता है. मेरे लिए मैंने वो सीन देखा जो मैं शायद सारी ज़िंदगी ना भुला सकूं. वो दस्तगीर को जिस तरह मारा जिस तरह खड़ा करके और एक आदमी है जिसका वो तो बाद में मेरी सांस रुक गई जब मैंने उन्होंने आखिर में दिखाया डायरेक्टर ने बड़ी वेरी स्मार्टली कि उसके तो हाथ भी नहीं थे उसके तो हाथ भी उन्होंने काट दिए थे. एक बंदा जिसके हाथ काट दिए सर फाड़ दिया वो खड़ा है अभी भी जान है उसमें. बहुत अच्छे एपिसोड और लैला की क्या एक्टिंग है. लैला इज जस्ट अमेजिंग और इस दफा इवन जमदा की और ये सब की एक्टिंग बहुत अच्छी. जमदा मैना जी ओवरऑल आई विल गिव इट ए 25th 26th अगेन टेकिंग आउट द थिंग. 26th एपिसोड तो बहुत ही स्ट्रांग था. अब बात करी जाए राइटिंग की सकलैन अब्बास एंड आई थिंक आई विल गिव द राइटर एन 8. नादिया 9. फिर तो ठीक है. राइटिंग को आई एम गोइंग टू गिव इट एन 8. अच्छा जी अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 14,600 हुए हैं और सकलैन अब्बास के हिस्से में आए हैं ड्रामा सिल खई से 4,526 31% बनते हैं 3.1 मिले हैं इनको. अब जी बात कर लीजिए डायरेक्शन की सैयद वजाहत हुसैन रुबीना जी एन 8 नॉनदलेस. डायरेक्शन की बहुत सारे नंबर है सब इन्होंने बता दिया मैं भी मेरे लिए तो 10 है. ओके मरीना जी एट. अब बात कर लेते हैं ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 13,400 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 5,896 44% बनते हैं 4.4 हाईएस्ट मिले हैं इनको डायरेक्शन में. बात कर लिया फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की दुर्रे फिशा सलीम. आई विल गिव हर अ 7. 7 वेरी गुड जॉब. नादिया खुल के 9. इस टीम को तो सब 9 से कम नहीं. मरीना जी So I will give her an 8. Audience की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 14,200 किए हैं और दुर्रे फिशा सलीम के हिस्से में आए हैं खई से 3,976 28% बनते हैं 2.8 बहुत से नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. अब बात कर ली जाए फैसल कुरैशी की और उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा. वी हैव रिसीव अ मैसेज और ये मैसेज है एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से जो कि हमारे साजा में से भी हैं ताहिर सरवर मीर साहब लाहौर से और उन्होंने फैसल कुरैशी की एक्टिंग के ऊपर हमें एक भेजा है कि इसको इंक्लूड कीजिएगा. उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी उर्दू स्पीकिंग हैं इसके बावजूद पठान के किरदार को उनकी एक्सीलेंस तक ले गए हैं. जो एक एक्सीलेंस गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब भोजपुरी बोलते हुए कायम की थी. SRK दुनिया के सबसे बड़े पठान स्टार हैं लेकिन पठान में वो पख्तून और हिंद को लबो लहजे में जादूगरियाँ नहीं दिखा पाए जो फैसल कुरैशी ड्रामा खई में दिखा गए. okay. मैं मुसम्मी ताहिर वर्मीर पूरे हवा से खमसा के साथ ये कह रहा हूँ कि फैसल कुरैशी जनूबी एशिया का बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है
ये कहने से कबल मैंने किंग खान की फिल्में पठान और डंकी देखी और साथ ही सईद मुजाह हुसैन का ड्रामा खई देखा। आप भी ये तरद्दुद करें, आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, बस सलाम। ये बात तो मैं पहले भी की थी, हमारे एक्टर्स कमाल हैं, आगे हैं, बहुत आगे। सो एन 8 फॉर हिम। नादिया, फैसल के तो 10 दे दिए, हमारे भी 10, शो के भी 10। सो फैसल, इट्स डेफिनेटली अ 9 फॉर यू, बट आई एम गिविंग खालिद बक्सर अ 10। इट वाज, ही वाज जस्ट ब्रिलियंट, ही वाज जस्ट ब्रिलियंट। अब बात करते हैं मेल कैटेगरी की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं, और फैसल कुरैशी साहब के हिस्से में आए हैं 2,192, 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं। गुड जॉब। तो जी, ये कंप्लीट हुआ रिव्यू ड्रामा सीरियल खई का, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। कौन सा ड्रामा इस हफ्ते बाजी लेके जाएगा, दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और देखते हैं कि 5th पोजीशन पे कौन है। तो जी, 5th पोजीशन पे है समरा बुखारी ड्रामा सीरियल तेरे मेरे सपने से, और इनको मिले हैं 14.3, ये 5th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे है जी, रमजान का ही प्ले है, वेरी फिल्मी, इसको मिले हैं 16.3, यानी कि मोहम्मद अहमद साहब जो हैं 4th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल वेरी फिल्मी से। 3rd पोजीशन पे हैं अब्दुल खालिक ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से, और इनको मिले हैं 23.9, जो कि काफी बेहतर नंबर, बिग जंप। मुकाबला है जाने जहां की रिदा बिलाल और सकलैन अब्बास खई से। सेकेंड पोजीशन पे है जी रिदा बिलाल ड्रामा सीरियल जाने जहां से 27.9, और बहुत क्लोज रहा है खई से सकलैन अब्बास, लेकिन 28.1 फर्स्ट पोजीशन पे है, सिर्फ 0.2 से रिदा बिलाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत टफ था कंपटीशन। तो जी, ये थे विनर करार पाए हैं सकलैन अब्बास ड्रामा सीरियल खई से। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो देखते हैं कौन से डायरेक्टर बाजी लेके जाते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने, हम बताएं, बहुत नंबर दिए डायरेक्टर को। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी तेरे मेरे सपने से अली फैजान, और इनको मिले हैं 14.2। फोर्थ पोजीशन पे भी रमजान प्ले, यानी कि वेरी फिल्मी, अली हसन साहब, इनको मिले हैं 15.3, ये फोर्थ पोजीशन पे हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं फारूक रिंद साहब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से, और इनको मिले हैं 20.4। अब जी मुकाबला है जाने जहां, यानी कि कासिम अली मुरीद और सैयद वजाहत। तो सेकंड पोजीशन पे हैं कासिम अली मुरीद, इनको मिले हैं 28.2, और विनर करार पाए हैं सैयद वजाहत, इनको मिले हैं 29.4 फर्स्ट पोजीशन पे। सो इट्स अ वेरी बहुत करीब करीब जाने जहां, और पॉइंट्स में ये 0.5 तकरीबन 0.5 का इसमें रहा है डिफरेंस। अब बात करी जाए फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी सबीना फारूक ड्रामा सीरियल तेरे मेरे सपने से, इनको मिले हैं 17.3। फोर्थ पोजीशन पे हैं दाना नीर मुबीन वेरी फिल्मी से, इनको मिले हैं 19.3। थर्ड पोजीशन पे हैं इश्क मुर्शद से दुर्रे फिशा सलीम, और इनको मिले हैं 26.0, वेल डन, ये भी 26 बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल खई से दुर्रे फिशा, इनको मिले हैं 26.8, तो विनर करार पाएंगे जाने जहां से आयजा खान 27.6 लेके फर्स्ट पोजीशन ली है। बहुत क्लोज रहा है दुर्रे फिशा और दोनों इस दफा अमेजिंग थे। अब बात करी जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे हैं शहजाद शेख ड्रामा सीरियल तेरे मेरे सपने से, और इनको मिले हैं 19.8। फोर्थ पोजीशन पे हैं अमीर गिलानी, और इनको वेरी फिल्मी से, इनको मिले हैं 23.1, वेरी गुड नंबर्स। और थर्ड पोजीशन पे हैं इश्क मुर्शद से बिलाल अब्बास, मिले हैं 25.4।
ड्रामा सीरियल खई से फैसल कुरैशी को मिले हैं 28.6 और सेकंड पोजीशन पे बिना किरार पाए हमजा लिबासी एक बार फिर जाने जहां से 30.6 अमेजिंग अपसेट हो गया खई स्वीट कर रहा था लेकिन एक्टिंग में जाने जहां बाजी ले गया डायरेक्शन और राइटिंग में खई ले गया और एक्टिंग में जाने जहां अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की अब मुकाबला सख्त है कौन बाजी लेके जाता है और नॉमिनेशन हमारे सामने फिफ्थ पोजीशन पे है जी तेरे मेरे सपने ठीक है 65.6 मिले हैं इनको फोर्थ पोजीशन पे है जी वेरी फिल्मी 74 मिले इनको उनकी फोर्थ पोजीशन है थर्ड पे है जी इश्क मुर्शिद 95.7 थर्ड पोजीशन नंबर्स बहुत बड़े हैं बहुत बेहतर हुए इश्क मुर्शिद के और जी सेकंड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल खई 112.9 रवीना किरार पाया जाने जहां 114.3 फर्स्ट पोजीशन मिली है जाने जहां को ये कैसे हुआ एक्टिंग में आपने बहुत नंबर दिए थे एक्टर्स ने जिता दिया है एक्टर्स ने जिताया है जाने जहां को राइटिंग और डायरेक्शन ने जिता और बट इट वाज आल्सो वेरी गुड इट वाज वेरी एक्सीलेंट हां मैं कहती हूँ बहुत बहुत है बड़े अच्छे ड्रामे हैं अगर आप नहीं देख रहे तो कहीं भी शुरू कर दें और जाने जहां तो लाजमी देखें बहुत अच्छा ड्रामा है और अगर कोई आप रमजान प्ले देखना चाहते हैं मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट वीक जो है रफ्तार रफ्तार ग्रीन चैनल से जो है ड्रामा चल रहा है उसको भी मेंशन करेंगे हम इसको नहीं 10 क्या 17 नहीं नहीं 7 एंड 7 14 तो कम से कम हां नहीं वो करेंगे होमवर्क मिल गया है बच्चों को इट बेटर बी गुड रफ्तार रफ्तार वी विल डाई हमने सुना है कि इट्स गुड इट्स गुड इट्स वेरी नाइस बिकॉज़ मी हां नाइस कम कैरेक्टर्स हैं मजे के हैं तो देखा तुमने इट्स वेरी नाइस तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा और जब आप रिव्यू करें ड्रामों का तो थोड़ा मजीद ऐसा करें कि हम भी उस पर राय दे सकें नौशीन का रिव्यू में थोड़ा समझ नहीं आता थोड़ा क्लियर हो अपनी बात टू द पॉइंट करें तब हम इंक्लूड करेंगे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में तो इसी के साथ ही नादिया खान रुबीना अशरफ मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है